Hello students, today I will discuss about a work input for single stage compression, different compression process, effect of clearance. These are the contents today I will discuss. First of all, before going on the work done for the compression, you should know about the compressor. It is a device which take a definite quantity of fluid, usually gas and most often of air. जैसा कि हमें कंप्रेसर के बारे में पता है कि एयर एज अ गैस वर्किंग मीडियम को यूज करता है, एटमॉस्फेरिक से सक करता है और उसको डिलीवर करता है रिक्वायर प्रेशर पे. एंड द मेनली थ्री फंक्शंस ऑफ द एयर कंप्रेशन इज इट इज डन इन अ कंप्रेसर. टेक्स इन एटमॉस्फेरिक एयर, कंप्रेस एंड डिलीवर इन टू द स्टोरेज वेसल. दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ द एयर कंप्रेसर. एंड कंप्रेसर रिक्वायर टू वर्क डन ऑन द गैस. ये अपने को पता है कि कंप्रेसर को चलाने के लिए हमें वर्क डन की जरूरत पड़ती है. एंड इट इज सप्लाई बाय द प्राइम मूवर. प्राइम मूवर की तरफ से ये पावर सप्लाई की जाती है. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक. द इनलेट वॉल्व इज ओपन एंड द एयर इज कमिंग फ्रॉम द एटमोसफियर साइड. सक्शन इज टेकिंग प्लेस. After the revolution of the crankshaft, piston is moving from the VDC to EDC and the compression of the air is taking place. And finally, discharge of air taking place when the inlet valve is closed and the only the exhaust valve is open and the air is escaping from this valve. Air compression is done in a compressor by the three process. There are the isothermal, adiabatic and polytropic. These processes are showing in the diagram. This is a PV diagram. In this diagram, there are the number of processes are given here: isothermal, adiabatic, and polytropic. The 1 to 2 is the adiabatic process. 1 to 2 dash is the isothermal, and 1 to 2 double dash that is the adiabatic process. In the adiabatic process, more work is required. But in the case of the isothermal, it is the very less work done is required. Polytropic, it is the actual case of the compression, where the air is actually compressed. It is done by the polytropic process, and the work done required for the adiabatic process in between of the isothermal and the polytropic. So the 4-to-1 process is the volume of air aspirated into the compressor at pressure P1 and temperature T1. 1-to-2 is the air compressed according to the PV to power n equal to constant, that is the n equal to polytropic constant. And 2-to-3 is the compressed air at a P2 and V2 with the temperature of T2 is deliver. यहाँ पे जो भी प्रेशर और टेम्परेचर की एयर रहती है, उस प्रेशर और एयर की टेम्परेचर को हम सप्लाई करते हैं जहां पे भी रिक्वायर्ड रहता है. तो दिस इज द मेन फंक्शनिंग ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, वेयर इट इज द हैपनिंग ऑफ द नंबर ऑफ प्रोसेस वर्क डन हैज टू बी डन. आफ्टर द कंप्रेसर, प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ विल बी इंक्रीज. दिस इज गिवन इन द स्लाइड्स. एंड ड्यूरिंग द कंप्रेशन, ड्यू टू द एक्सेस टेम्परेचर अबव द सराउंडिंग, द एयर विल एक्सचेंज टू द हीट टू द सराउंडिंग. चूंकि कंप्रेशन करने के बाद टेम्परेचर बहुत ज्यादा एयर का बढ़ जाता है, तो कूलिंग करना बहुत जरूरी है. तो जितनी भी एयर की हीट अबव ज्यादा हो जाती है, उसको हम सराउंडिंग्स में रिजेक्ट हो जाती है. कंप्रेशन इंडेक्स एन इज ऑलवेज लेस देन गामा. जो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है, एडियाबेटिक इंडेक्स से हरदम कम रहता है. तो 1-to-2 double dash जैसा बताया एडियाबेटिक कंप्रेशन है, 1-to-2 इज द पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन है, 1-to-2 dash इज द आइसोथर्मल कंप्रेशन है. तो आइसोथर्मल में मिनिमम वर्क की रिक्वायरमेंट रहती है. दिस इज द आइडियल केस. एडियाबेटिक इज ऑल्सो प्रैक्टिकल केस, बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द हीट ट्रांसफर रिक्वायर्ड शुड बी अब 0. दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल केस, बट इन अ प्रैक्टिकल कंडीशन और एक्चुअल कंडीशन द पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन ऑफ एयर इट इज टेकिंग प्लेस. वट इज द इक्वेशन फॉर वर्क, वर्क डन की इक्वेशन क्या रहेगी यदि कंप्रेसर में वर्क डन रिक्वायरमेंट है. चूंकि कंप्रेसर इज अ टर्बो एब्जॉर्बिंग डिवाइस, पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस, तो एब्जॉर्बिंग डिवाइस के लिए पावर रिक्वायरमेंट रहता है. तो पावर यदि रिक्वायरमेंट रहेगा, तो उसके लिए हमें एक बेस लेना पड़ेगा. तो बेस आइसोथर्मल इफिशियंसी का है. इफ द आइसोथर्मल इफिशियंसी इज टेकिंग, देन दैट इज द रेशियो ऑफ आइसोथर्मल वर्क डन टू द एक्चुअल वर्क डन. तो एक्चुअल वर्क डन हरदम आपको ज्यादा रिक्वायर रहता है, जबकि आइसोथर्मल वर्क डन जो आपको रहता है कम रिक्वायर रहता है. तो इफिशियंसी आपकी कभी भी आइसोथर्मल की 100% नहीं हो पाती है, क्योंकि यहां पे हमारा एक्चुअल वर्क डन आइसोथर्मल वर्क डन से ज्यादा है. बट कोशिश की जाती है कि जो एक्चुअल कंप्रेशन प्रोसेस है वो आइसोथर्मल को
अप्रोच करे उसके लिए हमें परफेक्ट इंटरकूलिंग करानी पड़ती है। परफेक्ट इंटरकूलिंग के लिए हमें मल्टी स्टेज कंप्रेशन पढ़ना पड़ेगा, वहां पे हम आपसे बात करेंगे कि परफेक्ट इंटरकूलिंग की कंडीशन कैसे अचीव कर सकते हैं। तो परफेक्ट इंटरकूलिंग अचीव करने के लिए हमारे पास दो तरीके से रीजन रहते हैं वहां पे कि हम किस तरीके से वाटर सर्कुलेट कर रहे हैं एयर को ठंडा करने के लिए। तो यहाँ पे एक्चुअल जो वर्क डन है दैट इज द एरिया 4-1, दिस इज द एरिया 4-1 जहां से कि एयर सक हो रही है माइनस ऑफ कंप्रेशन, चूंकि कंप्रेशन इज अ पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस तो यहाँ पे वर्क डन देना पड़ेगा प्राइम मूवर से, तो इसलिए नेगेटिव हो गया। एंड हियर इट इज ऑल्सो डिस्चार्जिंग एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर, इट इज ऑल्सो नेगेटिव एरिया। ओके, तो P1V1 इज द दिस इज द एरिया फॉर द एटमोस्फेरिक एयर इनकमिंग थ्रू द इनलेट वॉल्व एंड द कंप्रेशन वर्क डन ऑलरेडी डिस्कस, दैट इज द P2V2 माइनस ऑफ P1V1 अपॉन एन माइनस वन, एंड द डिस्चार्जिंग प्रेशर और द डिलीवरिंग एयर दैट इज द P2V2। एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वेन द P1V1 माइनस ऑफ P2V2 इज टेकिंग ऑफ आउटसाइड दैन इक्वेशन विल बी सिंप्लीफाइड। द इक्वेशन इन द दिस फॉर्म 1+1/(n-1) P1V1 - P2V2 और राइटिंग एज (n-1) P1V1 - P2V2। एंड आफ्टर दैट वी नो दैट P1V1 की पावर n इज इक्वल टू P2V2 पावर n, एंड कैन यू राइट दिस द P2V2 / V1 इज इक्वल टू P1V2 / P2 पावर 1/n। तो आइसोथर्मल जो वर्क डन आपका आएगा यहाँ पे दैट इज (n-1) P1V1 1 - P2 / P1 टू द पावर एन माइनस वन बाई। ओके, आइसोथर्मल वर्क डन जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, आपके पास फाइनल जो इक्वेशन निकल के आती है दैट इज द (n-1) P1V1 और इन ब्रैकेट ऑफ 1 - P2 / P1 टू द पावर ऑफ (n-1) / n। तो दिस इज द एक्चुअल कंडीशन जो कि अपने कंप्रेसर के अंदर हो रही है, जो आप ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं दिस इज द एडियाबेटिक प्रोसेस विच इज हेल्ड इन ए कंप्रेसर। और कंप्रेसर के अंदर आपको पता ही है कि निगेटिव वर्क डन होता है। एंड T2 टेम्परेचर यदि निकालना है तो T2 इज इक्वल टू T1 एंड इन द ब्रैकेट ऑफ P2 / P1 टू द पावर ऑफ (n-1) / n। दिस इज द डिलीवरी टेम्परेचर इक्वेशंस। वर्क डन ऑन द रिसिपोटिंग कंप्रेसर विद द क्लियरेंस वॉल्यूम, अभी जो स्लाइड्स में अभी आप देख रहे थे यहाँ पे क्लियरेंस वॉल्यूम पूरी तरीके से जीरो है, लेकिन क्लियरेंस वॉल्यूम को यदि कंसिडर करेंगे जैसा कि अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लियरेंस स्पेस है, कभी भी पिस्टन सिलेंडर के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं आता, या जो आपका पिस्टन है पिस्टन सिलेंडर हेड से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आता, कुछ क्लियरेंस स्पेस मेंटेन रहता है। तो वो क्लियरेंस स्पेस जो मेंटेन रहता है उसी कारण से वहां पे कुछ वर्क डन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है हमें देखना है। तो क्लियरेंस वॉल्यूम इज एक्सप्रेस एज सम परसेंटेज ऑफ द पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, ऐसा माना जाता है कि जो क्लियरेंस वॉल्यूम है कुछ परसेंटेज पिस्टन डिस्प्लेसमेंट का है। एयर इन द क्लियरेंस स्पेस विल एक्सपांड ड्यूरिंग द सम पार्ट ऑफ द आउटपुट ऑफ द स्ट्रोक। अब जैसा कि आप यहां पे देखेंगे 3-4 प्रोसेस, जैसे पिस्टन यहां से रिटर्निंग होता है, अब चूंकि जब टच नहीं करेगा तो रिटर्न होगा पिस्टन ऑटोमेटिकली, 2-3 डिलीवरी करने के बाद पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ TDC से BDC तरफ नीचे की तरफ मूव करेगा, तो जैसे ही नीचे की तरफ मूव करेगा तो वहां पे रिटर्निंग स्ट्रोक होगा, रिटर्निंग स्ट्रोक होने की वजह से यहां पे अपने पास जो रिक्वायरमेंट रहेगी वर्क डन के लिए वो कितनी रहेगी वो हमें देखना है। चूंकि क्लियरेंस वॉल्यूम में क्लियरेंस वॉल्यूम का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता वर्क डन के निकालने में, बट फिर भी हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या इफेक्ट पड़ता है। दिस एक्सपांशन कंटिन्यू टिल द प्रेशर P1 इन द सिलेंडर इज जस्ट सफिशियंट टू फोर्स ओपन द इनलेट वॉल्व एट 4। तो ये एक्सपांशन कंटिन्यू चलता रहता है जब तक कि प्रेशर सिलेंडर में यहाँ पे P1 पे नहीं आ जाता, तब तक एक्सपांशन कंटिन्यू चलता रहता है। आफ्टर दैट द एयर इज सक्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक 4-1 एट ए प्रेशर ऑफ P1। कंटिन्यू यहाँ पे आपका सक्शन चलता रहेगा ताकि जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो आती रहे। तो दिस इज द लिटरेचर व्हेन कंसिडरिंग ऑफ द क्लियरेंस वॉल्यूम इन द कंप्रेसर, एंड द शोइंग इन द PV डायग्राम 1-2 इज द कंप्रेशन, 2-3 इज द डिलीवरी, 3-4 इज द एक्सपांशन। दिस इज ऑल्सो इन एक्चुअल केस एक्सपांशन, पॉलीट्रॉपिक एक्सपांशन, एंड 4-1 इज द सक्शन प्रोसेस। द इफेक्टिव स्ट्रोक वॉल्यूम, जैसा कि वहां पे क्लियरेंस वॉल्यूम जीरो था बट यहां पे क्लियरेंस वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं, यहां पे आपने देखा कि क्लियरेंस वॉल्यूम जीरो था, क्लियरेंस वॉल्यूम यहां पे जीरो था तो V4 की वैल्यू जीरो थी, क्लियरेंस वॉल्यूम की वैल्यू जीरो थी। बट इफ द क्लियरेंस वॉल्यूम इज कंसिडर देन इन द स्लाइड्स द इफेक्टिव स्ट्रोक वॉल्यूम दैट इज द P1 - V4। द एक्चुअल वर्क डन दैट इज द एरिया 1-2-3-4, एरिया जो 1-2-3-4 है दैट इज द एक्चुअल वर्क डन है। एक्चुअल एरिया इज इक्वल टू
5126 माइनस ऑफ एरिया 5436 5436, तो जितना माइनस कर देंगे क्लियरेंस वाले एरिया को उससे आपका एक्चुअल वर्क डन निकल जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम जो रहेगा स्विफ्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम को मिलकर बनता है। क्लियरेंस वॉल्यूम यहाँ पे आप जो देख रहे हैं दैट इज द वी थ्री इजल टू वी सी, स्विफ्ट वॉल्यूम जो आप देख रहे हैं दैट इज द वी वन माइनस ऑफ वी थ्री। तो टोटल वॉल्यूम आपका हो गया यहाँ पे वी वन, और टोटल वॉल्यूम स्विफ्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम का एडिशन समेशन रहता है, एंड दिस इज द रेसिपरेटिंग कंप्रेसर में यदि आपको एक्चुअल वर्क डन निकालना है तो एन अपॉन एन माइनस वन पी वन वी वन इन ब्रैकेट ऑफ वन माइनस ऑफ पी टू बाई पी वन एन माइनस वन बाई एन माइनस ऑफ एन माइनस एन अपॉन एन माइनस वन पी फोर वी फोर, क्योंकि रिटर्निंग स्ट्रोक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, और यहाँ पे भी एक्सपांसन पॉलीट्रॉपिक के थ्रू हो रहा था पी थ्री बाई पी फोर एन माइनस वन बाई एन। अब चूंकि पी फोर बराबर पी वन है और पी टू बराबर पी थ्री है तो एक्चुअल जो वर्क डन रहेगा दैट इज द एन अपॉन एन माइनस वन पी वन आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन पी वन माइनस ऑफ वी टू वन माइनस ऑफ पी टू बाई पी वन इंटू पी वन बाई पी टू की पावर वन बाई एन। ऐसा अपन करेंगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो क्लियरेंस वॉल्यूम का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है कंप्रेसर पे यदि हम देखेंगे, बट वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कितनी हो जाती है क्लियरेंस स्पेस से वो हमें देखना है। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एंड ऑल्सो डिस्कस अबाउट द मल्टी स्टेज कंप्रेशन। थैंक यू थैंक यू। यदि कोई भी डाउट्स है कमेंट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के डाल सकते हैं। थैंक यू।